भारतीय सेना का कमांडो स्कूल 34वां दिन शाम के 6 बजे अब बारी है कमांडो स्कूल के आखिरी टेस्ट की 40 किलोमीटर की एंड्योरेंस रन जिसमें 18 किलो का बैटल लोड और अपना निजी हथियार लेकर दौड़ना है पर ये 40 किलोमीटर की दौड़ कमांडो स्कूल में सिर्फ इनका आखिरी टेस्ट नहीं है ये है उनकी जिंदगी का एक बड़ा इनाम क्योंकि इसके पार है वो खिताब जिसके लिए वो 35 दिन और रातों से जूझ रहे थे एक जाबाज कमांडो बनने का खिताब एक शख्स है जिसने सही मायनों में कमांडो होने का जज्बा दिखाया है और हार नहीं मानी कमांडो गुसाई ने कंधे में गंभीर चोट आने के बावजूद 40 किलोमीटर की रेस में दौड़ने का फैसला किया कमांडर ने जब मेरे को बोला आई डिसाइडेड दैट आई विल रन एंड आई विल कम इन एक्सीडेंट सो आई हैड दिस इन माय माइंड कि यार कुछ भी आई हैव टू फिनिश दिस कोर्स वो जानते हैं कि इस रेस में उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी दर्द बर्दाश्त करना दे वर ऑफरिंग मी पेन किलर आल्सो मैंने पेन किलर नहीं लिया बिकॉज़ डिहाइड्रेशन होने का डर होता है रात को आई वेंट टू रेड्डी सर एंड टोल्ड हिम सर ऐसा ऐसा है देखो यहाँ चोट लगी है आई एम नॉट फीलिंग वेल बट आज करना है एक्स में प्लीज रन विद मी एंड अगर मेरे को कोई हेल्प चाहिए होगी कि पैक उतारना है या पैक चढ़ाना है देन जस्ट हेल्प मी आउट अ लिटिल एंड ही आल्सो प्रॉमिस्ड मी कि यार मैं भागूंगा तो टेंशन मत ले आई प्रॉमिस आज एक्स में आएंगे हम दोनों कमांडो रेड्डी के पास बस एक जवाब है क्योंकि जब उन्हें जरूरत थी तो कमांडो गुसाई उनके साथ खड़े थे 20 किलोमीटर की दौड़ में कमांडो गुसाई ने बेस्ट इन फिजिकल्स अवार्ड पाने का मौका छोड़ दिया था और कमांडो रेड्डी की तेज बुखार में भी दौड़ पूरी करने में मदद की थी आई फेल्ट कि आज तो मेरे को ध्रुव के साथ पूरे टाइम भागना होगा चाहे मैं खुद भी थोड़ा ज्यादा थक जाऊं बट ध्रुव को पास कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे क्योंकि उसके वजह से ही शुड नॉट फेल द रन और या रिपीट द कोर्स बाकी कमांडोज के लिए कई महीनों की तैयारियों का अंजाम आज सामने आने वाला है हर एक की आज करो या मरो की हालत है 40 केएम स्टार्ट होने से पहले मैं बहुत नर्वस था इसमें मेरे लिए अच्छा करना बहुत जरूरी था कमांडो निशांत पिछले साल भी कमांडो स्कूल में भर्ती हुए थे मगर 40 किलोमीटर की दौड़ में मसल इंजरी की वजह से उन्हें कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ा लेकिन इस बार उन्होंने सोच लिया है कि उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता कमांडो सिंघा भी फिनिश लाइन तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें बस किसी भी तरह 40 किलोमीटर की ये दौड़ पूरी करनी है इतने दिन जो हम लोग जितनी मेहनत की है ये बस इसी चीज के लिए कि हम इसको क्लियर कर सके एंड फिर नेवर टू कम बैक अगेन कमांडो लिंगम के लिए पूरा कोर्स ही दांव पर लगा है उन्होंने 20 किलोमीटर की दौड़ बहुत मुश्किल से पूरी की थी इस बार दोहरी दूरी पार करनी है और उन्हें दोहरी ताकत और इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी 40 किलोमीटर सुनकर ही मेरी हालत खराब हो रही है मैंने तो 20 किलोमीटर की दौड़ भी बड़ी मुश्किल से पूरी की थी कमांडो धनकर कमांडो अभिषेक और कमांडो राठी के लिए ये 40 किलोमीटर तय करेंगे कि किसे बेस्ट इन फिजिकल्स का अवार्ड मिलता है वो ग्रुप से अलग दौड़ेंगे भारतीय सेना की असली भावना का परिचय देते हुए कमांडो धनकर और कमांडो अभिषेक ने उपलब्धियों को भुलाकर एक साथ दौड़ने का फैसला किया है अकेला भागते भागते बंदा परेशान हो जाता है बात करने को नहीं मिलता तो बोर हो जाता है तो एक आइसोलेशन टाइप हो जाता है उसके लिए ये 20 किलोमीटर की दौड़ में सीखा बड़ा सबक है अगर इसमें अकेले अकेले भागेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा और बोर भी हो जाएंगे और मतलब कि एक डिसगस्ट टाइप खा जाएंगे पूरे रास्ते में लेकिन कमांडो राठी जो इस अवार्ड के पक्के दावेदार हैं बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स में इनके घुटने का मुड़ जाना इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है दौड़ शुरू होने से पहले माहौल टेंशन भरा है और अब बेस्ट इन फिजिकल्स के दावेदार आखिरी बार स्टार्टिंग पॉइंट पर जमा हो रहे हैं इनके दौड़ने का समय आ गया है चालीस किलोमीटर की इस सख्त रोड पर दौड़ने का कमांडो राठी के घुटने पर गहरा असर पड़ेगा क्या इनका घुटना आखिर तक इनका साथ दे पाएगा बेस्ट इन फिजिकल्स के दावेदारों ने जल्दी ही 2 किलोमीटर का निशान पार कर लिया है तो जैसे हमने 2 किलोमीटर क्रॉस किया और वहां पे
लिखा देखा कि 38 किलोमीटर, तो वैसे ही दिमाग में परेशानी बढ़ जाती है कि यार इतना कैसे चलेंगे। अब ग्रुप के बाकी सदस्यों के दौड़ने की बारी है। हर कमांडो के लिए 40 किलोमीटर की ये दौड़ अपने शरीर को समझने और अपनी रफ्तार को संभालने की आजमाइश है। सबको उम्मीद है कि इस आखिरी पड़ाव में सब कुछ सही रहेगा। कमांडो लिंगम ने बढ़िया शुरुआत की, लेकिन जल्द ही बैग का भार उन्हें परेशान करने लगा। आई थिंक 6 किलोमीटर के बाद ही मेरे कंधे में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड पर वेट ज्यादा था, इसलिए मेरा हाथ सुन्न पड़ गया। लेकिन जल्द ही उनके दोनों हाथ सुन्न पड़ गए। आखिरकार उनका शरीर उनका साथ नहीं दे पाया और उन्हें मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ी। मेडिकल टीम ने कमांडो लिंगम को और आगे जाने की इजाजत नहीं दी। इस बीच कमांडो निशांत साबित कर रहे हैं कि उनमें एक असली कमांडो की ताकत और पक्का इरादा है। तो वो पहला 10 किलोमीटर मैं थ्रू आउट एक्सीलेंट वन के साथ दौड़ रहा था। क्या बेहतरीन समय निकालने वालों के साथ दौड़ने का खामियाजा उन्हें बाद में चुकाना होगा? तो नेक्स्ट 10 किलोमीटर थे, तो उसमें थोड़ा मेरे लिए एग्जॉस्टिव हो गया था, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी मुझे उनके साथ दौड़ने के लिए। और अंधेरे में दौड़ना कमांडो रेड्डी के लिए एक चुनौती बन गया है। स्ट्रीट लाइट्स है नहीं रास्ते में, रास्ता भी थोड़ा ख़राब होता है, पूरे टाइम ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ हम पैर रखते हैं, कहीं गड्ढा तो नहीं है। लेकिन उन्होंने कमांडो गुसाई से किया अपना वादा भुलाया नहीं है, वो उन्हें दौड़ पार करवा के ही रहेंगे। तो ध्रुव को मैंने आगे ही रखा था, सो दैट ध्रुव मेरी नज़र में रहे। When we started, I just stuck to the first line. जो DS के साथ भाग रहे थे, I was in the first line. So that I keep running. ऐसे करके मैं भागता रहा। And Reddy sir थोड़ा सा पीछे था, and he was asking me, ठीक है। अभी तो कमांडो गुसाई साथ चलते दिख रहे हैं। इनके आगे हैं कमांडो सिंघा, जिनका सारा फोकस इस वक्त फिनिश लाइन को पार करने पर है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करके रिलैक्स करना। इस बीच बेस्ट इन फिजिकल्स अवार्ड के दावेदार कमांडो धनखड़ और कमांडो अभिषेक अच्छी रफ्तार कायम किए हुए हैं। और हमने भी फिर यही सोचा कि यार 20 किलोमीटर जाना है, तो जाते समय थोड़ा तेज जाएंगे। लगता है कमांडो राठी घुटने के अपने दर्द को भूल गए हैं। वो अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बाकी कमांडो से बहुत आगे निकल गए हैं। चांद की थोड़ी सी भी रोशनी नहीं थी वहाँ, और मैं टॉर्च भी कैरी नहीं कर रहा था। लेकिन टॉर्च न होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। जब वो उजाले में आए तो पता चला कि उनके माथे पर चोट लग गई है। रुक के जा रहा था तो एक ब्रेकर था, तो ब्रेकर से मैं टकरा गया और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और आई फेल डाउन डायरेक्टली मैं फॉर। पहली चीज़ जो मैंने चेक की वो ये की कि ज़्यादा ब्लड फ्लो तो नहीं हो रहा है। कमांडो राठी को अब एक मुश्किल फैसला करना है, क्योंकि चोट के साथ तो आई कैन रन, लेकिन अगर मैं भाग रहा हूँ और ब्लड लगातार फ्लो हो रहा है तो फिर इट विल बी अ प्रॉब्लम। उन्होंने हौसला जुटाया और आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। और अब वो 20 किलोमीटर के मोड़ के करीब हैं। यहां से उन्हें 20 किलोमीटर दूर कमांडो स्कूल में मौजूद फिनिश लाइन को पार करना है। कमांडो राठी तीसरे कमांडो हैं जो मोड़ पर पहुंचे हैं। उनके ठीक पीछे हैं कमांडो अभिषेक और कमांडो धनखड़, जो मोड़ तक एक साथ बने रहने में कामयाब रह पाए हैं। इस ग्रुप से बस थोड़ा ही पीछे हैं कमांडो सिंघा। बाकी पूरा ग्रुप मोड़ पर पहुंचा है और लगता है कमांडो गुसाई ने बढ़िया समय निकाला है, पर उनका कंधा बुरी तरह से दर्द कर रहा है। कमांडो रेड्डी उनसे कुछ ही मिनट पीछे हैं। हाफ अ किलोमीटर आगे गए, मेरे राइट लेग में क्रैम्प आ गया। रोज लेग मैं सीधा नहीं कर पा रहा था, मेरे को उसको बैंड ही रखना पड़ रहा था अपना नी, जिसकी वजह से मेरे नी पे स्ट्रेन पड़ रहा था।
एंड जब मैं उसको सीधा करता वो क्रैम्प पड़ जाता है एंड आई हैड टू लिम्प फॉर सम टाइम। मसल क्रैम्प्स होने से कमांडो रेड्डी की रफ्तार धीमी पड़ गई है। क्या वो कमांडो गोसाई से किया अपना वादा पूरा कर पाएंगे? अब तक इन युवा फौजियों को अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा नहीं दौड़ना पड़ा था, लेकिन दूरी, समय और वजन का असर अब दिखने लगा है। हमारा बॉडी इट स्टार्टेड एकिंग इन वेरी वेरियस प्लेसेस। मेरा जो घुटने थे दोनों, दे स्टार्टेड पेनिंग वेरी बैडली। कमांडो धनखड़ और कमांडो अभिषेक अपनी रफ्तार कायम रखे हुए हैं। धनखड़ बोल रहा था कि यार मेरे पैरों से आग निकल रही है और मैं अब नहीं चल पा रहा। फिर वाटर पॉइंट पे पहुंचे, हमने पानी वगैरह पिया। फिर धनखड़ बोलता है कि यार ऐसा करता हूँ, पैरों में थोड़ा पानी डाल लेता हूँ, ये आग थोड़ी कम हो जाएगी। फिर उसको समझाया कि यार रहने दे, छाले वाले पड़ जाएंगे पैरों में, परेशान होगा। लेकिन बॉडी में जितनी थकान, पैरों में जितनी थकान बहुत काफ़ी हो गई थी। पूरे रूट भागते भागते डिजेस्ट भी हो गई थी, क्योंकि 40 किलोमीटर कोई छोटा रूट तो होता नहीं है। तो मुझे नहीं पता, मैं सोच रहा था कि यार कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। क्या थकान और तकलीफ की वजह से इन दोनों के बेस्ट इन फिजिकल्स अवार्ड की उम्मीदें टूट जाएंगी? कमांडो राठी ने अपनी दोनों चोटों पर जीत हासिल की और वो तेज रफ्तार से बढ़े जा रहे हैं, और उनकी इस कामयाबी का एक राज है। I do running. Running is my hobby actually. मैं दौड़ना काफी पसंद है। मैं घर पे जाता हूँ तब भी सुबह दौड़ता हूँ, क्योंकि मेरे गांव में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ माहौल इस टाइप का है। कमांडो राठी ने फिनिश लाइन पार कर ली है और वो कोर्स के सभी ऑफिसर्स में पहले नंबर पर रहे हैं। पिछले 35 दिनों और रातों में उन्होंने सारे फिजिकल टेस्ट्स में बेहतरीन समय निकाला और हासिल किया बेस्ट इन फिजिकल्स अवार्ड। मेरे लिए तो अभी यही है, जैसे मैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मैं मेंटल अलर्टनेस की मैं कब तक खुद को अलर्ट रख सकता हूँ, खुद को और इम्प्रूव करना टेक्टिकली। मेन गोल तो मेरा अभी यही है, अवार्ड्स के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं सोचा है। कमांडो राठी के कुछ ही मिनट बाद कमांडो अभिषेक अपने साथी के साथ आ रहे हैं। राठी हमसे पहले ही मिल गया था, मतलब जो फिनिश पॉइंट था उससे पहले ही वो बाहर आ चुका था। बोलो चलो यार कंप्लीट होने वाला है, आ जाओ इस तरह से थोड़ा सा मोटिवेट किया उसने। लेकिन मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, पहली बार ऐसा था कि दर्द में भी अच्छा लग रहा था। ये पेन हो रहा है पूरे शरीर में, लेकिन खुशी हो रही है। फिल्मी स्टाइल में इनके दौड़ पूरी करने के बाद आइए वापस चलें कमांडो निशांत के पास, जिनके पास अभी भी दौड़ में अच्छा समय निकालने का पूरा मौका है। फाइनली जब हम यहाँ पे 2 किलोमीटर मार्क पे पहुँचे, देन आई डिसाइडेड कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, आई हैव टू बी इन गुड। मैं बिल्कुल भी नहीं रुका, मैं कंटिन्यूसली दौड़ दौड़ के मैंने रूट कंप्लीट कर लिया। कमांडो निशांत ने फिनिश लाइन पार कर ली। उन्होंने साबित कर दिया कि उनमें एक जांबाज कमांडो जैसा पक्का इरादा और मानसिक ताकत है। वो लास्ट 40 km इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी। अगर आप ठान लो कि आपको करना है कुछ तो आप एक्चुअली कर सकते हो। इन नौजवानों ने कमांडो स्कूल की फिनिश लाइन को पार कर लिया है। इन्होंने डर को जीता है, थकान से जंग की है, दर्द की दहलीज को पार किया है, और अब वो वाकई एक जाबाज योद्धा में तब्दील हो गए हैं।